60 एकड़ का जो पूरा ड्रिप का मैनेजमेंट है हम लोगों का, उसमें फर्टिगेशन भी है और पानी भी है, ये दोनों का मैनेजमेंट हम लोगों ने अनार का खेत भी देखे। यहाँ से अनार का खेत हमारा करीब 500 मीटर तक लंबा पड़ता है और एक मौसम्बी का जो खेत है वो करीब 800 मीटर लंबा पड़ता है। तो टोटल मिला के हम लोगों का जो 60 एकड़ का जो पानी का मैनेजमेंट है और फर्टिगेशन है वो हम लोग कैसे करते हैं वो देखेंगे अभी। तो ये जो सिस्टम हम लोग देख रहे हैं ये नेटेफिम कंपनी का है, इसमें हमारे 12.5 हॉर्स पावर के 4 पंप लगे हुए हैं 60 एकड़ के लिए, क्योंकि इसमें हाइट बहुत है, मतलब हर प्लॉट की जो है ये सबसे लोएस्ट लेवल पे है, यहाँ से पूरा हाइट में जाता है पानी। तो हम लोगों ने इन्होंने जो डिज़ाइन बना के दिया 1250 HP के 4 पंप यहाँ पर लगे हुए हैं। अब ये कैसे वर्किंग करता है हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जब ये देखे थे कि गौशाला में से जो जीवामृत आता है, इसके बाहर में अगर आप देख रहे एक टीन का शेड है और टीन के शेड में वहाँ ग्रेविटेशन फोर्स से वो जीवामृत आ जाता है। अब वो वहाँ पर आने के बाद में हम लोगों की ये मोटर लगी हुई है, आप देख रहे हैं कि ये एक मोटर है, वो सक्शन पाइप हमारा उधर गया है, सक्शन पाइप से ये मोटर से ये जीवामृत यहाँ पर आता है और यहाँ से आने के बाद में हम लोग ये जो टैंक आप देख रहे हैं 5, ये 1000 लीटर की एक टैंक है और 1000 लीटर के टैंक में ये इसको फिलअप किया जाता है। मतलब एट ए टाइम हमारा जो जीवामृत आता है वो 8000 लीटर आता है एक फ्लश में, 3 फ्लश होते हैं, मतलब 24000 लीटर जीवामृत हमारा बनता है हर हफ्ते में 24000 लीटर जीवामृत बनता है वो हम लोग। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें हमारा जीवामृत आ गया चारों टैंक में। अब ये जीवामृत ये पाइपलाइन जो देख रहे हैं आप, ये पाइपलाइन से होके इस मशीन में आएगा। अब इसमें ये ऑटो मोड पे हम लोग रख सकते हैं इसको कि हमको जीवामृत जो देना है ये जीवामृत हमारा 1600 लीटर पर आवर के हिसाब से हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं। समझ लीजिए रात को देना हमको पानी के साथ, तो हम इसमें प्रोग्राम सेट कर देंगे प्लॉट नंबर 2 को 1600 लीटर, 2 घंटे के बाद में प्लॉट नंबर 3 को 1600 लीटर, उसके बाद में प्लॉट नंबर 5 को 1600 लीटर, तो इसमें प्रोग्राम फीडअप कर देते उसके हिसाब से हमको फिर देखने की ज़रूरत नहीं, ये 1600 लीटर जाते रहता है जो अमृत के साथ पानी। तो पूरा जो ड्रिप का सिस्टम है और इरिगेशन और फर्टिगेशन इसी के माध्यम से हम लोगों को। इधर आप देख रहे हैं तो हर एक प्लॉट के वॉल जो है यहाँ पे 9 वॉल लगे हुए हैं पूरे हमारे फार्म के, 9 वॉल में से ये जो पूरा आप देख रहे 9 वॉल में से ये पानी और जो अमृत हम लोग सप्लाई करते रहते। ओके okay. इसकी कॉस्टिंग का कुछ आइडिया आपको कितना? इसकी कॉस्टिंग करीब टोटल मिला के, क्योंकि पहले हम लोगों ने इनलाइन लेटरल लगाई थी और ये पूरा सेटअप लगाया था, तो इसका एक 50 लाख के करीब सेटअप 5 साल पहले गया है। पूरे 60 एकड़ के लिए ये हमारा जो कुआ है इसका जो डायमीटर है ये 40 फीट चौड़ा है और 50 फीट गहरा है। ये जो पंप लगे हुए दिख रहे हैं ये 12.5 HP के 3 पंप हैं और एक पंप जो है वो छोटे कुएं में उधर का, ऐसे कुल मिला के हमारे 4 पंप हैं। ये चारों पंप का अगर आप देखेंगे पूरी पहाड़ी है आजू बाजू में, हम लोग लोएस्ट पॉइंट पे आप देख रहे हो कि पूरी ऊपर तक वो जो पहाड़ी दिख रही है उस पहाड़ी तक ये इसका ड्रिप इरीगेशन का पानी जाता है, वो पहाड़ी उधर के पहाड़ी तक। सामने जो बगीचा दिख रहा है आपको ये करीब 950 झाड़ हमारे संतरे के लगे हुए, ये पिछले साल के लगे हुए हैं, पिछले साल में हम लोगों ने 950 पेड़, मतलब इस फार्म पे अनार है, इस फार्म पे नींबू है, इस फार्म पे जाम है, इस फार्म पे एप्पल बेर है, इस फार्म पे कटहल है, इस फार्म पे संतरा है और नींबू है और मौसम्बी है। ये टोटल 60 एकड़ में इस टाइप का मल्टी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, यानी मानना यह है कि हम किसी अकेले क्रॉप के पीछे न पड़ते हुए हमारे पास में हर 2 से 3 महीने में हमारे फार्म से कैसे आवक शुरू हो जाए,
160। तो बड़े फार्म जो के जो किसान है वो इस तरीके से आपकी जो है आपके फार्म की यूटिलिटी इस तरीके से आप बना सकते हैं कि साल में एक बार पैसा न आते हुए हर 2 से 3 महीने में हमारे पास रोलिंग में पैसा कैसे आएगा। वैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी का वेदर जो सिस्टम है वो बदल चुका है। जहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए वहाँ पानी आ रहा है, जहाँ पे पानी होना चाहिए वहाँ नहीं आ रहा है। तो वो भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये मल्टी हॉर्टिकल्चरल क्रॉपिंग पैटर्न जो है ये पूरे ये 60 एकड़ में लगाने का प्रयास किया है। अगले साल से यहाँ पर करीब 50% एरिया ये प्रोडक्टिव में आ जाएगा अगले साल से, और जो बाकी का बचा 50% है उसको आने में और 2 साल लगेंगे। तो सर इसको कहाँ बेचने का सोचा है? अभी तो फिलहाल इसको हम लोग जो हम लोग छोटे छोटे इसमें जो निकाल रहे हैं तो उसमें हम लोग नागपुर जैसा शहर है उस पर हम लोग नेचुरल फार्मिंग का एक स्टिकर लगा देते हैं, हम लोग सर्टिफिकेशन के अंडर में भी है तो हम लोग रिटेल ही हम लोग मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो आउटलेट है नागपुर नेचुरल में भी जाता है ये सब मटेरियल, और डायरेक्ट किसान जो ग्राहक है वो भी कुछ जुड़ चुके हैं। तो जैसे जैसे यहाँ से प्रोडक्शन आता है वैसे वैसे हम लोग रिटेल में भी बेचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बल्क में जब निकलेगा तो हम लोग ऑनलाइन चले जाएंगे। फिर वो उसके बाद में जो भी बायर होगा हम लोग उसको क्वालिटी दिखा सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ासकर विदिशा से आए हुए संकल्प जी शर्मा, इन्होंने आज नागपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर ये आपने यहाँ पर आके इस नेचुरल फार्मिंग का आपने मुआयना किया, तो मैं आपको तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। सर ये तो थैंक यू सो मच, भविष्य के लिए मैं उज्जवल प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सर, मतलब ये मेरा वो है सौभाग्य कि आपके साथ मैं यहाँ आ सका। थैंक यू सो मच।